चलिए अब हम लोग आज एक अच्छा टॉपिक करेंगे। हम लोग भूगोल चल रहे थे और भूगोल में जिनका क्लासेस छोटा है बता दे उनको, हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर का हिंदी नाम हो गया जल मंडल। जल मंडल हम लोग का शुरू हुआ था पिछले क्लास में। वायुमंडल कंप्लीट खत्म कर चुके हैं, तो वायुमंडल, जल मंडल और तब स्थल मंडल पर हम आते हैं। तो जल मंडल में हम लोग पिछले क्लास में बेसिक चीजें सीखे थे, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है और कौन सी खाड़ी कहाँ है, ये सब तो आपको याद होगा। तो सागर, खाड़ी और आपको महासागर, तीनों बात आपको कर लिए थे। आज इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है महासागरीय जलधारा। तो आप हेडिंग दे दें आज के लिए, महासागरीय जलधारा। आज हम लोग जलधारा का टॉपिक करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और खूब ध्यान देंगे, महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। देखिए कलम रख दें और ध्यान दीजिए हमारे साथ। ध्यान आप पूरा दे पाते हैं तो उम्मीद है कि महासागरीय जलधारा अब बढ़िया से समझ पाए। देखिए विश्व के मानचित्र पर हम लोग अभी कुछ पहलू को ध्यान से समझेंगे। आप सभी को याद होगा, अभी थोड़ा सा पूछेंगे हम और देखें आप सभी को याद उम्मीद है कि जरूर होगा ही कि कहां पे कौन सा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा स्टेप सभी का यहाँ पर ध्यान चाहिए, 15-20 मिनट खूब बढ़िया से समझेंगे। हम लोग पिछले क्लास में वायुमंडल में पढ़े थे कि वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ जाती है, और इसके लिए एक वैज्ञानिक ने आसान नियम दिया जिसका नाम था फेरल। दूसरा एक फिजिक्स के टर्म में समझाए थे कोरियोलिसिस, आप दोनों बल देखे थे। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो हवाएं हैं यहाँ पर विस्तरली पिंड पछुआ पवन के रूप में ऊपर की ओर, और नीचे आप देखे थे कौन सा व्यापारिक पवन, ऊपर कौन सा देखे थे ध्रुवीय पवन, तीनों पवन आप देख चुके थे। इन पवनों के कारण, दूसरा इसके बनावट के कारण, बनावट चेंज है तो पानी का धारा भी चेंज करेगा, तीसरा टेम्परेचर के कारण, कहीं गर्म सूरज आप जानते हो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, तो ये टेम्परेचर के कारण, कहीं लवणता ज्यादा है कहीं कम है, इन लवणताओं के कारण सागरीय जल में एक विशेषता होती है कि लंबी दूरी तक एक खास दिशा में गमन करता है, और जो सागरीय जल लंबी दूरी तक खास दिशा में गमन करता है उसी को हम लोग महासागरीय जलधारा के नाम से जानते हैं। देखिए जलधारा का मतलब ज्वार भाटा मत समझिए कि पानी उठा और पटकाया, ये अलग है। इन जलधारा का मतलब आपको हम समझाए कि इसमें कई चीज इसके लिए जिम्मेवार है। पहला टेम्परेचर जिम्मेवार है, दूसरा अगर धारा मान लें ऐसे चल रहा है तो ये तट का बनावट बोलिए जिम्मेवार होगा कि नहीं होगा, तट का बनावट भी जिम्मेवार होगा, बनावट के अनुसार से ही मुड़ेगा भी।
तीसरा हम लोग देखे कि यहाँ जो पवन चल रहे हैं कैसा पवन चल रहा है। पवन अगर इधर की ओर है तो उधर भेज देगा, पवन इधर की ओर है तो इधर भेज देगा। तो ये पवन भी जिम्मेवार है, और कहीं ज्यादा लवणता है और कहीं लवणता कम है, इन सभी बातों पर वह डिपेंड करता है। तो इसमें अब दो तीन चीज देखिए, आप जानते हैं इसका नाम 0 डिग्री है, और धीरे धीरे ये 23.5 हो गया, ऐसे करते करते ऊपर कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री चला जाएगा। बताएं हम अगर यहाँ आसपास हैं तो कितना डिग्री पर होंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, तो हम लोग यहां से ऊपर आर्कटिक सागर है, यानी कि 90 पहुंच जाए, ये 65 के आसपास हम लोग चल रहे हैं। फिर अब तब 66.5 का आर्कटिक वृत्त आएगा, और तब इसके ऊपर ध्रुव जाएगा। कई लड़का को यहाँ खाली पूछते हैं तो सोचता है कि अब क्या चढ़िएगा, 90 डिग्री मारने लगता है। इसके बाद यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है, 66.5 का लाइन यहाँ पर तुम देख रहे हो। अब जरा दो तीन बात देखिए, सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत रहती है, तो बताएं यहाँ गर्म होगा और यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा। अगर कोई भी जल धारा यहाँ पर है और यह ऊपर की ओर जाएगा, तो बताइए यहाँ के तुलना में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था कि कम, जल्दी बोलिए, कम था। और जब यह यहाँ जाएगा तो इसको यह ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा, जल्दी बोलिए। ठंडा और गर्म अपने आप में कुछ नहीं होता है, आपेक्षिक चीज। आपको कई बार बुखार लगता है तो किसी को कहते हो कि छू के देखो तो मेरा हाथ, और अंदर अंदर सोचते रहते हो कि कहेगा गर्म, सोचते रहते हो। लेकिन हो सकता है तुमको 102 डिग्री है और जिसको छूने दे रहे हो उसको पहले से 104 डिग्री रहे, तो तुम्हारा हाथ उसको गर्म लगेगा, नहीं छुएगा कहेगा ठंडा है, ठंडा है, दूसरा के दिए तो ना ना गर्म लग रहा। तो ठंडा गर्म एक तुलनात्मक चीज है, कहाँ का चीज कहाँ क्या है। हमसे ज्यादा उष्मा है तो वो क्या कहेगा, गर्म। कम उष्मा है तो ठंडा। अब जल्दी से बताइए, यहाँ पे ज्यादा गर्मी है यहाँ कम है, तो ये चीज यहाँ आएगा तो इसको ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा, गर्म लगेगा, गर्म लगेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे गर्म है कि ठंडा, और ई वाला पानी को भेज दे नीचे, तो बताइए यहाँ जब आएगा ए वाला जल तो ई यहाँ के आदमी को गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा, जल्दी बोलिए। अच्छा आप लोग समझ पूरा नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, पानी का एक बड़ा बेजोड़ लक्षण है, बहुत उष्मा लेने के बाद भी इसका टेम्परेचर कम बढ़ता है। इसको जल का हम लोग स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा कहते हैं, और इसी गुण के कारण मोटर गाड़ी के रेडी वाटर में पानी डालते हैं। देखिए रेडी वाटर में पानी क्यों डालते हैं, आपको क्वेश्चन देगा कि रेडी वाटर में पानी डालते हैं क्योंकि चॉइस ए पानी सर्वत्र आसानी से उपलब्ध होता है, चॉइस बी पानी सस्ता होता है। तो इस सबसे कोई लेना देना नहीं, लेना देना क्या है, जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, ज्यादा उष्मा लेके टेम्परेचर कम बढ़ाता है, और इसीलिए आपको जख्म होता है तो किसी से सेंकते हो, गर्म पानी से। क्यों, गर्म पानी उष्मा ज्यादा लेगा और टेम्परेचर कम रहेगा तो सेंक बढ़िया हो। कभी बालू से सेंके हो, तवा पर बालू रख रहे ऐसे ऐसे करके मार दिए, बालू का विशिष्ट उष्मा कम है, कम उष्मा में ही टेम्परेचर हाई हो जाए। हाँ भूंजा भूंजने में बालू का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कम उष्मा में ही बालू गर्म होगा और जल्दी चावल एकदम फटाफट फ्राई हो जाएगा। तो यहां आप समझ रहे हैं, ये पानी ज्यादा उष्मा लिए हुए, और ये यहाँ के आदमी को जब छुआएगा तो इसको ठंडा लगेगा कि गर्म, गर्म लगेगा। ये यहाँ ठंडा है तो इसका बहुत उष्मा नीचे गया होगा तभी ठंडा हुआ होगा, और ई जब यहाँ आएगा तो इसके आदमी को गर्म लगेगा कि ठंडा, ठंडा एकदम ठंडा लगे। यानी अब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए दरोगा वाले को बहुत तंग नहीं करेगा, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। अब दरोगा वाले बच्चे को क्या पूछेगा, यदि जल धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आता है तो ये होगा गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों हो सकता।
उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, पहले तो इन बातों को समझना होगा। तो ये बताओ 0 डिग्री ज्यादा होगा कि 50-60 डिग्री? 50-60। तो जब हम बोले उच्च अक्षांश तो आप ऊपर चढ़ जाओ, इससे निम्न अक्षांश में आ रहा है मतलब नीचे आ रहा है, तो बोलो ये गर्म होगा कि ठंडा? कहोगे ठंडी जलधारा होगी। ठीक उल्टा क्वेश्चन, यदि जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है तो बोलो ये ठंडा होगा कि गर्म? जल्दी बोलिए, ये गर्म होगा। अब ये वाला पानी इसके पास जाएगा तो कहेगा वाह गर्म पानी मिला, लेकिन इसका वाला जल यहां आएगा तो कहेगा कि वाह ये ठंडा पानी आया। अब तो आप समझ रहे होंगे ठंडी जल धाराएं बहती है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश किसी ओर बह सकती है। ठंडी जलधारा किधर बहेगी? वेरी गुड, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, बहुत बढ़िया। अब हमको केवल आप सोच सोच के बताते चलिएगा कि ठंडा है कि गर्म, पहले ये तो समझ में आ जाए ये कौन सा महादेश है। अब बताएं इधर घींचे तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा? जल्दी बोलिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है कि पश्चिम में है? तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। तो अब आप नेचर सोच के बताइए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? सोच के बताओ ये ठंडी जलधारा कि गर्म जलधारा? क्या ठंडी? कितना को ठंडी जलधारा लग रहा है? लग रहा है तो हाथ उठाओ, अच्छा हाथ गिराइए। और गर्म जलधारा लग रहा है? वाह वेरी गुड। अरे तुम लोग एरो भी नहीं देखने आता है, ये एरो ये जलधारा नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है? नीचे से ऊपर। ये बीच वाला लाइन 0 डिग्री है, इसमें भी जैसे जैसे नीचे जाओगे उच्च अक्षांश होते चला जाएगा। तो बोलो यह उच्च अक्षांश से निम्न है कि निम्न से उच्च है? उच्च अक्षांश से निम्न है, तो ये गर्म होगा कि ठंडा? ठंडी जलधारा हो। बताओ अगर हम एरो ऐसे मार दिए तो ये गर्म जलधारा कि ठंडी जलधारा? जल्दी बोलिए, अगर हम यहाँ घींच दिए तो बताओ ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा? जब हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ऐसे बनाएंगे और कहेंगे ये गर्म होगा कि ठंडा होगा तो तुम तुरंत पकड़ोगे कि वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश है, तो कहोगे समझ गए ये कैसा होगा गर्म हो। पहले तो गर्म ठंडा पहचानने आ जाए, नहीं तो कई लड़का तो गर्म ठंडा पहचानेगा नहीं, सेट बनाएगा फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है, कहीं घुमाया ना फॉकलैंड तो बेचारा उधर गोलट जाता। जब तक ध्यान नहीं दोगे तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ ये सब बात समझे रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा सभी क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अब आप लोग बढ़िया से एक बात समझ गए हो, अब ध्यान से थोड़ा सा समझिए, एक दो बात और पूछ लें, हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ बेसिक ठीक हो गया, तो धीरे धीरे स्नेह स्नेह बढ़ते जाएंगे। अब जरा हम देखें, अभी सोच समझ के बताना है। मान लें हम कोई जलधारा यहाँ बना रहे हैं, हम मान लें एक नाम लिखेंगे कि इसका नाम किनारी जलधारा है, हम नाम लिखेंगे। अभी मान लो कुछ याद नहीं करो तो पहले ही बताओ किनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? क्या ठंडी जलधारा? देखो बढ़िया से, ये ठंडी की गर्म? ठंडी, वेरी गुड। क्योंकि यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश आ रहा है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे गर्म ज्यादा है तो इन लोग कहेगा कि ठंडा है। नीचे गर्म ज्यादा ना है और ऊपर ठंडा जाते हैं, इसका वाला भेज देंगे तो कहेगा गर्म ज्यादा। नहीं समझा बात? बताओ यहाँ खीर बन रहा है और यहाँ सबको ठंडा वाला खीर 2-4 दिन बाद पहुंच रहा है, फ्रिज वाला ये अपना कटोरी इसको देगा तो क्या कहेगा? बड़ा ठंडा ठंडा खीर खिला रहे हो। ये अपना कटोरी थमा देगा कि टेस्ट करो, कहेगा बड़ा गर्म थमा रहे हो, ये चूल्हा के पास ना है जी, ये सूरज यहाँ पर है। अब तो ठंडा गर्म बात समझ में आया रहा तुमको ना? तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछे कि चूल्हा से दूर फ्रिज तरफ जाएंगे तो ठंडा की गर्म? जल्दी बोलिए गर्म। आप फ्रिज से निकाल के चूल्हा तरफ वाला में आएंगे तो फ्रिज वाला छोड़ के चूल्हा तरफ वाला खीर खाएंगे तो गर्म लगेगा।
बोलिए, बात तो समझ रहे हैं ना। अब आप एक दो और बता लीजिए और तब सेकेंड स्टेप पे हम चढ़ेंगे। बस तीन चार बेसिक चीज हो जाने के बाद जलधारा आप खूब बढ़िया बना पाओगे। जल्दी से सोच के बताओ, हम थोड़ा सा एक चेंजिंग कर रहे हैं और आपको सोच के बताना है ये कैसा है। मान लो हम यहाँ ऐसे करें और कहें कि इसका नाम इरमिंगर जलधारा है, तो बोलिए इरमिंगर जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? जल्दी बोलिए, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यह कहां से कहां है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश ऊपर जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये गर्म जलधारा होगी। अब तो बोलो क्लियर है सबका? तो ठंडा और गर्म आप लोग समझ गए। दूसरी बात अब महत्वपूर्ण समझे, बस ये दो तीन बात बेस सही है तो फिर समझने लगेंगे। ये कौन सा महासागर है? एटलांटिक महासागर। एटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा को एटलांटिक महासागरीय जलधारा कहते हैं। और इसके अगर विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं तो इसको हम लोग, ए लाइन को अभी मिटा दें ताकि आप समझने में और आसानी हो आपको। हम लोग को मेन काम विषुवत रेखा से है, विषुवत रेखा हमने खींचा है, बाकी किसी से काम नहीं। तो अब आप देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर जो अटलांटिक महासागर है इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और विषुवत रेखा से नीचे जो महासागर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। यानी जब हम अटलांटिक महासागरीय जलधारा पाएंगे तो इसके दो टाइप्स होंगे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा और दूसरा नंबर दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। अब बताएं, मान लो यहाँ पे जलधारा देंगे और नाम बताए केनारी, यहाँ पे जलधारा देंगे और मान लो नाम बताए फॉकलैंड की जलधारा, यहाँ पे नाम बताए और मान लो बताए तुमको बेंगुएला की जलधारा, यहाँ पे नाम बताएं और मान लो हम कहें कि दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा, अब तुमको दे देगा बहुत घुमाता है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? उसमें देगा फॉकलैंड, उसमें देगा बेंगुएला, दक्षिणी अटलांटिक, और इसके बाद आपको दे देगा इसमें किनारी। तो जो लड़का समझ रहा है परीक्षा में वही पकड़ पाएगा कि जी पकड़ लिए। कैसे जी? तो जी ये उत्तरी अटलांटिक की धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक की धारा है। बोलो उत्तर और दक्षिण की बात भी समझ में आ रही? दूसरी बात हम लोग देखें तो उत्तर दक्षिण में भी दो टाइप की जलधारा होगी, एक ठंडी और दूसरा गर्म। यानी हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है? अटलांटिक महासागर की जलधारा ही तो हेडिंग हो, फिर इसमें चलेगा कि अटलांटिक महासागर की जलधारा को दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन? उत्तरी अटलांटिक जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा। फिर पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक की जलधारा दो भाग में बंटता है, ठंडा और गर्म। इसमें ठंडा कौन है, गर्म कौन है? ऊपर। फिर बोलो नीचे वाला में क्या पढ़ोगे? दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, फिर इसमें भी चलेगा ठंडा और बोलो गर्म। इसी प्रकार से बोलो इधर कौन महासागर है? प्रशांत। इधर कौन है? प्रशांत। विश्व का मानचित्र लेके आना है तुमको अगले दिन। लाए हो कोई मानचित्र? एक मानचित्र लाओ तो समझाएंगे। जब प्रशांत महासागर की जलधारा चलेंगे, बढ़ा दो, भूगोल जब तक पढ़ रहे हो ना एकदम डेली सब लेके आइए, मानचित्र एकदम पर डे साथ साथ रहे। ध्यान दीजिए सबको एक मिनट, अब जरा बढ़िया से सुनेंगे। इस साइड का हिस्सा भी प्रशांत महासागर है और इधर का हिस्सा भी प्रशांत महासागर है। तो जब हम प्रशांत महासागर पढ़ेंगे तो जल धारा कैसे चलेगा? तो अपने से इसको पहले गोल करना पड़ेगा और जो जो उजला जितना दूर सेक्शन है उस सब को मोड़ उड़ के खत्म करना पड़ेगा कि उजला ये भी खत्म हो जाए, उजला ये भी खत्म हो जाए, और तब अपने से यहाँ मोड़ के अलास्का और इसको भिड़ाएंगे, और जब दोनों मोड़ मार के पास लाएंगे आप तब बैठ के यहाँ पे समझेंगे इसको सरिया करके कि ये दोनों एक साथ आ जाए, तब कहेंगे कि अब समझ गए। इसके बीच जो जलधारा होगी ये प्रशांत महासागरीय जलधारा होगी। यानी जब हम प्रशांत महासागर वाला पढ़ाएंगे तो आप दोनों को मोड़ करके और इसको अपने से पकड़ लेना है बढ़िया से, आप सोचना है कि ये पचका दे, आप बस ये वाला सेक्शन को बस बैठ के आप यहाँ पे बढ़िया से जलधारा चलाओ। इसीलिए प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार था, इसमें पता भी चल जाए।
और यहां पर बैठ के जब जलधारा आएगा तब देखोगे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी आएगा कि पश्चिमी आएगा, तब ना प्रशांत चलेगा। अरे पृथ्वी कोई लंबा थोड़े, पृथ्वी गोल है, तो सुविधा के लिए हम लोग इधर और इधर छाटे हुए, लेकिन जब जलधारा पड़ेंगे तो दोनों को अलग रखेंगे कि सटा देंगे, सटा देंगे। तो प्रशांत इसीलिए आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मानचित्र रखोगे सटाओगे तब प्रशांत समझ में आएगा। बोलिए जब प्रशांत चलेंगे तो इसके बीच में भी जीरो डिग्री का लाइन हो, तो पहले क्या पढ़ोगे? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, फिर क्या पढ़ोगे? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, फिर उत्तरी प्रशांत में कितने वेराइटी? दो, ठंडा गरम। दक्षिणी प्रशांत में दो, ठंडा और गरम। तीसरा महासागर कौन है? हिंद महासागर। बोलो हिंद महासागर में कितने वेराइटी होंगे, जल्दी बोलिए। तो दो मत बांटना एक, अरे जीरो डिग्री आठ डिग्री से इंडिया शुरू है, तो जो है जो नीचे, इसलिए ये नीचे वाला उत्तरी होगा कि दक्षिणी होगा, जल्दी बोलिए। इसलिए इसमें दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा चलेगा। और बताइए जब दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा चलेगा तो यहीं के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। चौथा नंबर में कोई जलधारा नहीं चलेगा चूंकि वो बर्फ से ढका हो। यानी कितने महासागर की जलधारा हम लोग को पढ़नी है? तीन महासागर की जलधारा पढ़नी है। तीनों का दो में उत्तर दक्षिण चलेगा, एक में केवल दक्षिण चलेगा, बाकी तीनों में ठंडा और गर्म सभी में चलेगा। तो बोलो ये सेकेंड स्टेप भी सबको समझ में आ गया। तब आज के मेन क्लास चलेगा आज अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये पूरा आज के दिमाग में सेट हो जाए। अगला क्लास कल आपको ये दोनों हम पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएंगे, जलधारा कंप्लीट खत्म। ये सैटरडे तक का हमारा प्रोग्राम था कि पूरा निकल जाना चाहिए जल मंडल, लेकिन दो क्लास हम लोग पीछे हो गए, और इसलिए नहीं तो संडे संडे आपका लगभग प्रत्येक संडे टेस्ट रहेगा। सात दिन में जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो लगभग पहुंचा रहेगा, और उसके बाद तब आपका उसमें टेस्ट आ जाएंगे, पिछला का मिलान नया का टेस्ट, दोनों क्रिया उस दिन संडे को चलना रहता है। तो चलिए अभी हम लोग नीचे पहले लिख दीजिए महासागरीय जलधारा, हेडिंग दे दिए हैं सबको, नीचे हेडिंग देने के बाद नीचे डैश देके लिखिए जब महासागर में जल निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में लंबी दूरी तय करती है, निश्चित दिशा में लंबी दूरी तय करती है तो इसे महासागरीय जलधारा कहते हैं, तो इसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा कहते हैं। नीचे डैश देके लिखिए जलधारा निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। जलधारा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कभी कभी दे देगा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कारकों पर या फैक्टर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चलिए कौन कौन कारक है एक बार सुन ले, सभी को याद हो जाएगा। पहला नंबर हम लोग इंपॉर्टेंट कारक क्या देखे, ताप, टेम्परेचर, कहीं ज्यादा है और कहीं क्या है, कम है। दूसरा नंबर क्या देखे, तट की बनावट। अब बताओ तट की बनावट ऐसा है तो निश्चित ऊपर की ओर ही जाएगा, और तट की बनावट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर है पवन की दिशा। पवन जिधर दिशा में रहेगा जलधारा को उधर ही ले जाएगा, क्योंकि पानी क्या है, तरल है, फ्लूड है, और फ्लूड प्रवाहित होता है, पवन जिधर चलेगा उधर प्रवाहित हो जाएगा। और अगला नंबर हम लोग देखे थे लवणता, जिधर लवणता कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, तो लवणता सेक्शन अगला पढ़ोगे तो समझ में वो टॉपिक ज्यादा आएगा। तो चार बात फिर से सबको याद हो जाना चाहिए। पहली नंबर बात टेम्परेचर, दूसरा तथ्य जल्दी बोलिए
तट की बनावट, तीसरा तत्व पवन की दिशा और चौथा लवणता। तो लिख दीजिए जल्दी से चारों पॉइंट। पहला नंबर ताप टेम्परेचर, ताप टेम्परेचर। दूसरा नंबर लिख दीजिए तट की बनावट, तट की बनावट। तीसरा नंबर लिख दीजिए, बोलिए तट की बनावट के बाद पवन की दिशा, पवन की दिशा। और चौथा नंबर लिख दीजिए लवणता, लवणता। लवणता। चलिए अब सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आप स्टेप समझ गए। अब हम लोग चले कि इसमें जल धारा कितने तरह के होते हैं, दो, एक ठंडी और दूसरा गर्म। तो वो भी लिख दीजिए अगला लाइन नीचे डैश देके। महासागरीय जल धारा दो प्रकार के होते हैं, महासागरीय जल धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए ठंडी जलधारा, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। जल्दी सोच के बता दे सब कोई, ठंडी जलधारा में क्या लिखाएंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश या उच्च से निम्न? उच्च से निम्न, वेरी गुड। डैश देके लिख दीजिए ठंडी जलधारा में उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। ये सब कोडिंग ध्यान रखना, दरोगा उरोगा में क्या करेगा, आपको एकदम हल्का में देके बॉल और चेक करेगा। इसको हम लोग फुल टॉस बॉल कहते हैं। चेक करेगा कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश जाने से अक्षांश की लंबाई बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, एक समान रहेगा। तुमको क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया देगा। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश जाने से अक्षांश की लंबाई, अक्षांश की लंबाई घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक समान रहेगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्या होगा जी, क्या बोल रहा है, बोलो जल्दी। अरे इतना हल्का हल्का में तुम लोग गड़बड़ कर रहा है, एक समान रहेगा। वाह जी वाह बहादुर, बोलो। ये जीरो डिग्री में इतना बड़ा है, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, नब्बे डिग्री गए तो क्या तुमको सब लाइन बराबर नजर आ रहा है? कैसे बोलता है जी, अब बोलो आंसर, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, जल्दी बोलो। अभी भी गड़बड़ कर रहा। उच्च अक्षांश से निम्न आना है तो उच्च से निम्न आएगा तब बढ़ते जाएगा ना जी, आंसर बढ़ते जाएगा। तुमको हम लोग अक्षांश किसे कहते हैं इतने सिखा के भेजेंगे और वो कहेगा इधर आओ, ऐसा निम्न उच्च करेगा ना कि बुद्धि चेक करेगा कि समझा है कि बस वही वाला है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। समझा? अच्छा बताओ ये जीरो है, नब्बे है, उच्च कौन है? नब्बे। तो जब हम उच्च से निम्न आएंगे तो ये रेखा की लंबाई घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो यही तो पूछ रहे थे। कौन क्वेश्चन था जी, बहुत भारी क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, ये लंबाई, इसी को तो अक्षांश कहते हैं। तो तुमको पूछ रहा है कि बताओ उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश आओगे तो अक्षांशीय रेखा की लंबाई बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। हाँ, अगर तुम निम्न अक्षांश से उच्च की ओर जाओगे इसकी लंबाई, जल्दी बोलिए, घटेगा। कई लड़का नीचे सोच रहा होगा, अरे तो वही रहेगा, नीचे जैसे ऊपर चलोगे वैसे ही ना नीचे चलेगा। फिर जीरो से जाओगे तो नब्बे आएगा, जब सोचोगे तो ऐसे ही है। कई लड़का यहाँ रुक नहीं रहा है, एक बार पार लग रहा है कि सर फिर घट रहा है जो, अरे फिर निम्न से उच्च हो गया, फिर घटेगा। निम्न से उच्च जब जाओगे घटेगा, उच्च से निम्न जब आओगे तो बढ़ेगा। बोलिए क्लियर है सबका ना? तो आपको ये सब क्या है ना, टेक्निकल वर्ड कोडिंग है। ये सब पढ़ लेना तो मुस्कुराना परीक्षा हॉल में कि बहुत लोग डूबेगा, हम तो यही सब से खेल के और ठीक ही हुए।
आप लोग को तो ये सब एकदम सोचते सोचते ठीक ही करना। तो अब जल्दी से बताइए, ठंडी जलधारा हम लोग पढ़ रहे थे, तो ठंडी का मतलब हमने क्या सिखाया? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश? वेरी गुड। तो डैश देके लिख देना है, ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। अच्छा ये बताओ कि जहां प्रवाहित होगा वहां टेम्परेचर बढ़ा देगा कि घटा देगा? बोलते जाओ कि जहां प्रवाहित होगा वहां टेम्परेचर बढ़ाएगा कि घटाएगा? जल्दी बोलिए। तो घटा देगा, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, तो कई जगह टेम्परेचर ये आएगा तो घटाता भी, और गर्म वाला जाएगा तो टेम्परेचर क्या करेगा? तो कई बार जान के नहीं लिखता है, ठंडी जलधारा लिखेगा ही नहीं, कहेगा एक जलधारा इस प्रकार का है कि वह जब किसी क्षेत्र से आता है तो वहां के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती, तो यह जलधारा प्रवाहित हो रहा निम्न से उच्च। वो भी नहीं होगा तो सेटर और समझदार, आजकल का सेटर इतना एडवांस है ना कि स्टूडेंट उतना एडवांस बन ही नहीं रहा, और इसीलिए गलट रहा, जो बन गया वो एकदम सही है। अब बताओ, आपको क्वेश्चन दे रहा है एकदम हल्का, किसी जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया का तापमान किसी सप्ताह में 44°C मापा गया, परंतु जब वहां एक जल धारा प्रवाहित हुई तो इसके टेम्परेचर बढ़कर 46°C हो गया, तो यह जलधारा निम्न अक्षांश से आने वाली थी कि उच्च अक्षांश से आने वाली थी? सुन लो सुन लो, जलधारा निम्न अक्षांश से आने वाली थी कि उच्च अक्षांश से आने वाली थी? हाँ, आंसर टेम्परेचर घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया, इसका मतलब ठंडा जलधारा था कि गर्म? गर्म। तो ये निम्न से आया होगा कि उच्च से? इसीलिए निम्न से आने वाली थी, तो आंसर हो। यही सब क्वेश्चन देखता है ना, तो लड़के कहता है ना लड़ा, कोई किताब काम नहीं दी। अरे लड़ेगा कहां से? तुमको एकदम सोचना है, और इन सभी क्वेश्चन से, सब क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, इससे सिलेक्शन होता है। 30% क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा, 100 में 30 क्वेश्चन, और वो जो लड़के सोचने लगोगे तो तुम पास हो, नहीं तो बॉर्डर लाइन पर ही एकदम घुलटते पुलटते रहोगे, पार नहीं करोगे। तो ये चीज तुमको मेन बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल लिखवा के कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर उस सेंस और चिंतन जरूर डेवलप कर। गांधी जी तोता पाले और सोचे कि इसको सब बंद रखता है, इसको पढ़ा देते हैं, जब पढ़ने आता है तब पढ़ाने में क्या दिक्कत? तो सब तोता को एकदम सिखा दिए, सब पढ़ गया, रट गया, और एक दिन तब आजाद किए। क्या रटा? तो सब तोता को पढ़ा दिया गया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और इस सब तोता पढ़ लिया। उन लोग उड़ते ही ऊपर से बोलता था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। कहे वाह, अब ये सब तोता पढ़ल तोता हो। शिकारी एक दिन आया तो गांधी जी कहे कि देखो मेरा तोता पढ़ा हुआ है। शिकारी कहा कि अभी चेक करते हैं, दाना डाला, जाल बिछाया, और थोड़ा देर में देखा सब तोता उसमें फंस चुका, और फंसने के बाद भी सब वही गा रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। बताओ तोता फंस क्यों गया? क्योंकि तोता पढ़ गया था, लेकिन ये नहीं समझ रहा था दाना किसको कहते, शिकारी किसको कहते, जाल किसको कहते, और फंसना किसको कहते, ये नहीं जान रहा था। कई लड़के हमारे वही करते हैं, मार के एकदम रगड़ ले रहता है, कहते किसको है ये बात नहीं समझे रहता है, तो फिर वहीं पर जाल में उलझ जाता है। तो तुमको वहां तक मेन चीज सोचना होगा कि कहते किसको है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें कॉमा देके लिख दीजिए, अभी ठंडी जलधारा चल रहा है ना, तो ठंडी जलधारा में आपने लिखा पहला नंबर क्या? वेरी गुड, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, कॉमा देके इससे तापमान में गिरावट होता है, इससे तापमान में कमी होता है या गिरावट होता है, इससे तापमान में कमी होता है, तापमान में कमी होता है, चलिए लिखा गया सबसे नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए, गर्म जलधारा, गरम जलधारा,
जल्दी बोलिए, गर्म जलधारा निम्न से ऊंच की ऊंच से निम्न, जल्दी बोलिए, निम्न से ऊंच और तापमान में कमी की वृद्धि वृद्धि होगा। लिख दीजिए, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है और इससे तापमान में वृद्धि होती है और इससे तापमान में वृद्धि होती है वृद्धि होती है। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश देखे, महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा के तीन भाग हैं, महासागरीय जलधारा के तीन भाग हैं, महासागरीय जलधारा के तीन भाग हैं, जल्दी जल्दी बोल दो। पहला नंबर अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दूसरा नंबर बोलिए प्रशांत महासागरीय जलधारा और तीसरा नंबर हिंद महासागरीय जलधारा। जल्दी से लिख दीजिए, अटलांटिक महासागरीय जलधारा, अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दूसरा नंबर लिख दीजिए प्रशांत महासागरीय जलधारा, प्रशांत महासागरीय जलधारा, और बोलिए अगला नंबर क्या होगा, हिंद महासागरीय जलधारा। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए अटलांटिक महासागरीय जलधारा, ये आप हेडिंग दे और हमारे साथ बोर्ड पर समझें, अटलांटिक महासागरीय जलधारा, अटलांटिक महासागरीय जलधारा। चलिए अब कलम रखें और अभी का क्लास पूरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आज अटलांटिक महासागरीय जलधारा पूरा कंप्लीट होगा। उम्मीद है कि जो लोग ध्यान दोगे फटाफट समझ जाओगे। अगले क्लास में जलधारा से क्वेश्चन किसी परीक्षा में आएगा, अप टू यूपीएससी तुम बना सकते हो, कोई समस्या नहीं, केवल बात को ठीक से समझते जाना क्या बता रहा है। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, जहां ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलेंगे वहां पर सबसे आइडियल कंडीशन होता है प्लैंकटन के उत्पादन का। प्लैंकटन समझते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले हरे हरे घास जो तुम देखते होगे, कभी कभी नदी में देखना बाढ़ आया तो कुछ कुछ जलकुंभी टाइप के बहते हो, तो वो जली, ध्यान दीजिए, जलीय छोटे छोटे पेड़ पौधे वो प्लैंकटन के टाइप्स, और प्लैंकटन सबसे अच्छा आहार है मछलियों, और प्लैंकटन कहाँ होते हैं, गर्म जलधारा के क्षेत्र में कि ठंडी जलधारा के क्षेत्र में, तो जहां ठंडा गर्म मिलता है वहां, और इसीलिए जहां ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिल जाएगा तो समझिए कि वहां पे मछली का सबसे मेन सेंटर होगा। देखिए आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में जलधारा नहीं मिलाएगा, कहेगा सबसे अधिक मछली निम्नलिखित में कहां प्राप्त होती, अब लड़का लगा रटने की मछली जीके में निकालो गूगल क्या कहता। जहां ठंडा और गर्म टकराएगा वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा मछली प्राप्त हो, और उन क्षेत्रों को जनरली बैंक बोलते हैं, ग्रैंड बैंक। आपको जब भी बोलेंगे ग्रैंड बैंक तो कहना वो ग्रैंड बैंक की रुपया जमा वाला नहीं है, मछली वाला है, बैंके है मछली पकड़ो अभियान बल। दूसरी बात, ठंडी और गर्म जलधारा जहां मिलेंगे वहां कुहासा वाला क्षेत्र रहे, काफी कुहासा घना रहे, तो इसमें जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर अब आप बताओ, सूर्य की किरण तो लंबवत पड़ती है, इसीलिए यहां ठंडा होगा कि गर्म, गर्म होगा। अब बताओ 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे डोल्ड्रम पेटी है, और डोल्ड्रम पेटी के कारण यहां पर ऊपर नहीं आ सकता, इसीलिए ये ऐसे क्षैतिज रूप से यहां पर चलता है। बात को समझना ठीक से,
कई लड़के यहाँ परेशान होते हैं कि सर जब पानी है तो ऊपर क्यों नहीं गया। दूसरा कई लोग परेशान होते हैं कि सर जब ये चल दिया तो टॉप काहे नहीं गया, ये कोई बीच में दीवाल तो है नहीं। सही बात है, ठीक सोच रहे हो, सोचो को बढ़िया सोचते हो, लेकिन ये सोचो ये 0 डिग्री वाला जो लाइन है ये निर्णायक लाइन, तुमको इसीलिए पहले बेच दिए थे 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे डोल्ड्रम पेटी। इस पेटी में ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर कोई भी तरह का कोई बल नहीं लगता, यहाँ कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करता, याद आया सबको, इसीलिए यहाँ ऊर्ध्व की ओर नहीं प्रवाहित होगा, इससे कोई धारा आएगा तो नीचे नहीं टपेगा, ये दिमाग में सेट रख। बोलो क्लियर हो गया है सबका। अब इसीलिए क्षैतिज प्रवाह है और इसको देख के आपको बताना है ऊपर वाला उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा है, नीचे वाला दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा है, और कोई भी विषुवतीय रहे अगर विषुवतीय लगा देंगे तो हमेशा गर्म ही होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों लगभग गर्मी रहती है। अब बताओ तुमको हम ये पढ़ा रहे हैं, पूछे हैं कि बताओ दक्षिणी हिंद महासागरीय विषुवतीय जलधारा कैसी जलधारा है, तुम कहना कि सर खाली विषुवतीय आप जोड़ दीजिएगा ना तो हम गर्म ऐसे ही मार देंगे, क्योंकि वो विषुवत रेखा का जलधारा है, चाहे कुछ में लगा दीजिए। अब बताओ उत्तरी प्रशांत जलधारा कैसी जलधारा है, अगर विषुवतीय लगा दिए तो गर्म हो, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा। तो अब पहले तो ये लाइन तो सबको ऐसे ही ठीक हो गया, देखो रटना नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा, विषुवतीय केवल मारेगा तो चाहे प्रशांत बोले चाहे हिंद बोले चाहे अटलांटिक बोले वो गर्म हो। बोलो पहला लाइन क्लियर है सबका। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बनावट है, ये बनावट को हम लोग जरा देखें, ये यहां पर आप जानते हो ये क्यूबा और कई यहां देश जिसको आपको बताए थे इसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, और आपको बताए थे इस खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, याद है सबको, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, और आपको याद होगा यहां पर एक पतला सा सुरंग भी है जिसको जल डमरू कहते हैं, तो आप सोच के बताओ ये कौन सा जल डमरू है, बस एक दिन में तुम लोग का ये हालत हो रहा है। हाँ यहाँ कौन सा है, फ्लोरिडा की जल संधि है, क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से मिला रहा है, तो यहाँ एक डमरू है, जगह है फ्लोरिडा वाला। देखिए अब तुमको क्वेश्चन आएगा फ्लोरिडा कब यहाँ जलधारा चलाएंगे, आएगा फ्लोरिडा जलधारा ठंडी होगी कि गर्म, धीरे धीरे आपको बताना है। बोलो ये जब यहां से ऊपर उठेगा 5 डिग्री पार होगा तो आप सब लोग जानते हो कि ये बाई ओर मुड़ेगा कि दाई ओर, जल्दी बोलिए, दाई ओर मुड़ेगा, और इसीलिए इसके दाई ओर से इधर से एक जलधारा ऐसे एक इधर से जलधारा ऐसे दोनों ओर जाएगा। कुछ जलधारा अंदर घुसता है मैक्सिको की खाड़ी में और कुछ जलधारा ऊपर की ओर किनारे किनारे चल देता है, और जो मैक्सिको की खाड़ी में घुसा ये यहां से निकलता है, और इसका नाम सब लोग जानते हो, ये फ्लोरिडा यहां पर जल संधि था, तो बोलो इसका नाम कौन सा जलधारा होगा, फ्लोरिडा जलधारा। अब हमको केवल सोच के बताना फ्लोरिडा जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म होगी, जल्दी बोलिए गर्म होगी, बहुत बढ़िया, तब तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हो। जब फ्लोरिडा जलधारा यहां से निकलेगा तब तक ये भी यहां से भेंट कर लेगा, जब ये दोनों मिल जाएगा तो यहां पर जलधारा थोड़ा मजबूत हो जाएगा और ये ठंडी जलधारा होगी कि गर्म, जल्दी बोलिए गर्म हो, बोलो जी स्पष्ट है सबका। अब ये जलधारा यहां तक चला गया, तब तक यहां बाई चांस लक क्या है, इधर से एक जलधारा ऑटोमेटिक चलती है और एक इधर से भी जलधारा यहाँ चलती है, और ये बहुत बढ़िया एक मिलन स्थल है, किसका, गर्म जलधारा का और ठंडी जलधारा का। अब बताओ अगर यह मिलन स्थल है तो यहाँ पर मछली उत्पादन कम होगा कि ज्यादा, ये जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म, जल्दी बोलिए ठंडी जलधारा, ये जलधारा
ये भी ठंडी जलधारा होगी। अब यहां से ये जलधारा इधर की ओर मुड़ता है और ये यहां से कुछ पार्ट ऊपर की ओर चला जाता है। बताओ जो ऊपर जाएगा वो ठंडा की गर्म, जल्दी बोलिए। और कुछ सेक्शन यहां से चलने के बाद ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये ठंडा की गर्म, कुछ सेक्शन यहाँ अंदर घुसता है ये भी गर्म है, गर्म ही। अब बताओ यहां से कुछ सेक्शन नीचे उतरना शुरू है, ये ठंडी जलधारा कि गर्म जलधारा। और बस ये एक सर्किल का निर्माण करता है और इसी सर्किल से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा पूरे चल रहे हैं। अब आपको केवल इसका नाम याद करना है, तब ठंडा गर्म ठीक करना है, उसके बाद नीचे वाला नाम ठीक करना है, उसमें ठंडा गर्म ठीक करना है, फिर दोनों जहां बैठ के एक बार घर में ईमानदारी से बना लिया तो कहोगे कि अब ठंडा गर्म फिट हो। तब उसके बाद प्रशांत और हिंद चला, पूरा का सेक्शन निकल गए। तो अब जरा ये बता दीजिए इसका नाम हमने क्या बताया, उत्तरी की दक्षिणी, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। ये है उत्तरी कैसा विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा। ये ठंडी जलधारा कि गर्म जलधारा, जल्दी बोलिए, गर्म जलधारा हो। इसके बाद जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग एंटलीज जलधारा कहते हैं। ऊपर जा रहा है उसका नाम क्या है, एंटलीज। आपसे पूछेगा कि बताओ एंटलीज जलधारा ठंडा है कि गर्म। मेक्सिको की खाड़ी में जो जा रहा है इसको केणी का जलधारा कहते हैं। तो बोलो केणी जलधारा ठंडी जलधारा की गर्म। और जब ये केणी की जलधारा यहां से निकलती है तो इसको फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं। तो बोलिए फ्लोरिडा की जलधारा ठंडी होगी कि गर्म, गर्म जलधारा होगी। जब फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज की जलधारा ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसी को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम है ठंडी जलधारा कि गर्म जलधारा, जल्दी बोलिए, गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसे बना, तो फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज जलधारा के मिलने से गल्फ स्ट्रीम बनता है। बोलिए दिमाग में क्लियर आ रहा है सबका। ऊपर से जो आ रहा है यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है लेब्राडोर द्वीप, और इसीलिए ये जो जलधारा है इसको लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका नाम लेब्राडोर क्यों पड़ा, नाम लेब्राडोर क्यों पड़ा, क्योंकि वहां लेब्राडोर द्वीप से ये गुजरता है। और बताओ ये लेब्राडोर जो द्वीप प्रायद्वीप है ये किस देश का है, अमेरिका का, सॉरी कनाडा का कि ग्रीनलैंड का, तो ये ग्रीनलैंड का पार्ट है इसलिए इसमें पूछता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा, कैसी होगी, ठंडी जलधारा। दूसरा नंबर एक और इधर जो आ रहा है ये बताओ ये ग्रीनलैंड के पूरब में है कि पश्चिम में, पूरब में, तो इसको पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं। और बताइए पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा की गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा हो। इसके बाद हम लोग देखें इधर मुड़ के जो ऊपर गया तो ये ठंडी की गर्म, जल्दी बोलिए, गर्म। और इसका नाम क्या है, तो इसको इर्मिंगर की जलधारा कहते हैं। इस जलधारा का नाम क्या है, इर्मिंगर। इसका नाम क्या हो गया, इर्मिंगर की जलधारा। इसके बाद हम लोग चले तो ये उत्तर में ये आर्कटिक, देख ये ध्यान दीजिए, ये उत्तर में आर्कटिक यहाँ पर है तो ये उत्तरी आर्कटिक जलधारा इसको कहेंगे। और ये दो भागों में बट गया, ऊपर जो देख रहे हो और यहाँ जो देख रहे हो। तो आप सभी को याद होगा ऊपर में एक, आपको याद होगा कि हम जब सिखाए थे तो यहाँ पे कई खाड़ी देख रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक याद होना चाहिए, जब हम आर्कटिक पढ़ा रहे थे तो बताओ यहाँ पर एक जो था इसका नाम बोलेंगे तो सबको याद आ गया, इसको नॉर्वेजियर, याद आया सबको, नॉर्वेजियर इसको जलधारा कहते। तो बताओ नॉर्वेजियर जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म, गर्म जलधारा होगी।
इसको हम लोग यहाँ पर जो बाल्टिक सागर में घुसता है इसको केनल की जलधारा कहते हैं, केनल। तो बताओ केनल की जलधारा ठंडी की गर्म, गर्म जलधारा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको केनारी की जलधारा कहते हैं। बताइए केनारी ठंडी की गर्म, इसको केनल के जगह कई जगह ज्यादातर रेनल ही आपको ज्यादा मिलेगा, रेनल जलधारा। तो रेनल जलधारा एक गर्म जलधारा हो गया, केनारी कैसी हो गई, ठंडी जलधारा हो गई। अब आपको इसी से मेन क्वेश्चन आता है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू। अभी तो उत्तरी पढ़ा है, फिर अब दक्षिणी पढ़ोगे, दोनों ठीक करोगे तो इसमें आएगा उत्तर कौन, दक्षिण कौन, ठंडा कौन, गर्म कौन, ये एक का हुआ तब प्रशांत चलेगा, फिर हिंद चलेगा। पूरा बैठा लिया तो क्वेश्चन पक्का हो गया, बैठ जाएगा, बहुत परेशानी नहीं, सीख रहा इधर तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो अंतिम में इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे। बस उतना ठीक रखा तो निकल जाएगा, लेकिन ये जब ठीक रखेगा तो ये सब का फायदा तुमको, अगर भूगोल बीपीएससी में मेंस में लिए हो तो ये सब का फायदा उधर भी मिलेगा, क्योंकि मेंस में ऑप्शनल में आएगा जलधारा का वर्णन करें, तो जो तेज लड़के हैं अपने से मानचित्र बना के अगर सब ड्राफ्ट कर लिया बहुत बढ़िया उसको अंक आते हैं, क्योंकि ऐसे कम लड़के रहते हैं जो पूरे ड्राफ्टिंग कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी ये तो हम चल रहे हैं कि नहीं मिडिल पत्थर है, कम से कम केवल रटाए नहीं, बेसिक उनका मिडिल तक ठीक ठाक कर दो। तो चलिए जरा एक बार हम लोग सुने, अब आपको अपने से बोलना है केनारी ठंडी की गर्म, ठंडी लेब्राडोर, जल्दी बोलिए ठंडी जलधारा। बताइए पूर्वी ग्रीनलैंड, ठंडी जलधारा, और बाकी इसमें जो भी पड़े सब गर्म है, यानी ठंडा को ठीक कर लें तो बचल गर्म अपने हो जाएगा, बात समझे। दूसरी बात, नाम से ही पता चल जाता है कि ठंडा की गर्म, नाम से पता चलते रहेगा, जब विश्वतीय बोलेंगे तो समझोगे ठंडा की गर्म, गर्म ये एंटलीज है तो ये गर्म है, केनी है गर्म है, फ्लोरिडा है गर्म है, गल्फ अस्ट्रीम ये तो ऐसे ही अस्ट्रीम लगल है, अस्ट्रीम माने वास, ये ऐसे ही गर्म है। बाकी लेब्राडोर कुत्ता तुम लोग देखा होगा, लेब्राडोर कुत्ता का भी नाम है, तुमको कभी कभी परीक्षा में बढ़िया सेटर रहेगा, कहेगा कि बताओ भारत में एक नस्ल के पालने वाले कुत्ते के नाम पर जलधारा जो प्रवाहित होती है निम्नलिखित में उसके लिए सही है। लेब्राडोर नाम ही नहीं देगा, नाम ही नहीं देगा, वो ब्रेन टेस्टिंग करता है, कहेगा भारत में एक नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं या पाले जाते हैं, उसके नाम पर एक जलधारा है, उसके लिए सत्य कथन है, चॉइस ए गर्म जलधारा है, बी ए ठंडी जलधारा है, सी सुन लो पहले, एक ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्से में प्रवाहित होती है, डी ग्रीनलैंड के और कनाडा के बीच से प्रवाहित होती है, ई एक से अधिक सही या कोई सही नहीं। हाँ तो ये कौन लोग मारेगा जो एकदम ठीक से सुने हुए, बीपीएससी वाले यही तो करते हैं और कुछ नहीं करते। अब सोचो ना लेब्राडोर का नाम देगा तो लड़के मार देगा। अब एक तो आधा दिमाग ऐसे ही कंफ्यूज किया कि भारत में पाले जाने वाले कुत्ते के नाम से, अब तुम बैठ के सोच रहा है कि कौन कौन कुत्ता है, तो कई लोग का लेब्राडोर का नामों नहीं आ रहा, केवल बेचारा एनसीसीएन और एक आधुगा और जान रहा। तो बताओ लेब्राडोर कुत्ता देखा है तुम लोग, बहुत जो है कटास है कि सीधा होता है, सीधा। अरे पुलिस वुलिस जो सुंघाता है कि सुंघ के पकड़ो, वो सब लेब्राडोर नस्ल होते हैं। पुलिस के पास जो कुत्ता देखा होगा वो लेब्राडोर नस्ल, वो कम ही सुनोगे कि पुलिस सुंघवाने लाया था तो दो तीन को के काट लिए। शांत कुत्ता है, ठंडा है, तो जब हम बोलेंगे लेब्राडोर कहना समझ गए, शांत ठंडा, ठंडी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड, अरे ग्रीनलैंड, लैंड माने भूमि, कैसा है, ग्रीन, ग्रीन है हरा हरा। तो बताओ जब ग्रीन लैंड है हरा भूमि तो इसमें गर्मी कम लगेगा कि ठंडा लगेगा, ठंडा, घास भरा हुआ, जब बोलेगा ग्रीन लैंड कहना कि वो ठंडा। एगो ई अपवाद है, कारण लगल है नारी और है ठंडा, ये तो बड़ा भयंकर बात है जी, ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा बात है, बात समझ लीजिए। ये एक थोड़ा सा
उल्टा आ गया, तो खैर उल्टा पर ध्यान रखना। तो चलिए अब पहले ये बताएं सब लोग, इधर उत्तर वाला ठीक ठाक हो गया, चलिए दक्षिण वाला ठीक करते हैं। सुनेंगे दक्षिण ठीक करते हैं, दोनों ठीक करना है अभी आप, तब उसके बाद इसके नामकरण पे चलेंगे, उसके बाद इसके मानचित्र का घर पे अपने से अभ्यास करोगे फिर सही हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलें, बोलो इसका नाम दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा। ये ठंडा की गर्म, जल्दी बोलिए, गर्म होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से जब नीचे आएगा तो यहाँ एक देश है, सब लोग नाम जानते हो, इसी का नाम है ब्राजील। इस कंट्री का नाम क्या है? ब्राजील। तो इसको ब्राजील की जलधारा कहते हैं। और आपसे पूछा जाए ब्राजील की जलधारा ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। ये निम्न अक्षांश से उच्च जा रहा है तो गर्म जलधारा हो। नीचे ध्रुव है और ये अंटार्कटिका से यहां पर जलधारा यहां से इधर की ओर जाता है और ये दोनों यहां भी टकराते हैं। और ये नीचे अंटार्कटिका से जो ये जाता है इसी जलधारा को फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। तो बोलो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म होगी, जल्दी बोलिए। तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। और ये दोनों मिलने के बाद अब इसकी दिशा ऐसी हो जाती है। तो बताओ ये यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका है। ये ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका की ओर दक्षिण की ओर ये जलधारा चल रही है, ठंडी जलधारा है। यहां से जब ये ऊपर की ओर चढ़ेगा तो बोलो ठंडी जलधारा कि गर्म जलधारा, जल्दी बोलिए, कैसा होगा? ठंडी। और इसका नाम है बेंगुएला की जलधारा। बस खत्म हो गया, बेंगुएला नामे है, बेंगुएला बगुला, बगुला है बगुला, ये हटा लो तो बगुले हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर करना। बगुला बहुत शांत पक्षी है, कोई ऐसा थोड़े है कि बगुला किसी का कान काट के लेके भाग जाए। तो जब बेंगुएला बोलेंगे तो आप समझ लेना, दूसरी बात बगुला या वो नहीं याद रहे तो बेंग भी ध्यान रख सकते हो। ये बेंग ओरिजिनल बिहारी वर्ड है, बेंग, मेढक को बेंग कहते हैं बिहार। और बेंग ऐसे भी ठंडा प्राणी है, कोई बहुत गर्म प्राणी नहीं। तो अब बताओ परीक्षा में देगा बेंगुएला तो तुम कहना बगुला चाहे बेंग, सर बोले हैं ये ठंडा। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन अब मूव करेगा, क्वेश्चन कितना अच्छा देगा। अब आपको क्वेश्चन जानते हो, धीरे धीरे तुमको मरुस्थल पढ़ाएंगे, अब बताएंगे कि यहाँ कालाहारी मरुस्थल। अब देगा कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम की ओर बहने वाली जलधारा निम्नलिखित में कौन है? अभी ना देख के इतना आसानी से बोल रहे हो, यही भूगोल में तो आधा लोग परेशान होता है कि कालाहारी के पश्चिम में कौन जलधारा है, ये सब तो हमको समझ ही में नहीं आता। तब तक नहीं आएगा जब तक नक्शा से खूब खेलकूद नहीं करोगे। एक बार मानचित्र ठीक हो गया तो सही हो जाए। बोलो ये ठंडी जलधारा है तो बोलो ये कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। एक गर्म मरुस्थल होगा या ठंडा मरुस्थल होगा? जब ठंडी जलधारा है तो ये ठंडा मरुस्थल होगा। तुमको कभी कभी सब पूछेगा ठंडा मरुस्थल है कि गर्म है। बाकी बोलो यहाँ सहारा है तो बताओ, ये बहुत सहारा यहाँ है तो ये बीच के हिस्सा है, ये कैसा बेल्ट होगा? गर्म हो, वो गर्म हो, बाकी यहाँ पर ये ठंडा हो। तो अब जरा ध्यान से सुनिए सबको, जल धारा का पूरे सेक्शन किए हैं, अब यहाँ लिखाने का जो हम काम करेंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। आपको केवल दो स्टेप चलेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधारा उसमें कहेंगे क गर्म जलधारा, और उसमें चलेगा उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, फिर कौमा देके चलेंगे एंटली जलधारा, कौमा देके चलेंगे केनी जलधारा, फिर कौमा देके चलेंगे फ्लोरिडा जलधारा, फिर कौमा देके चलेंगे गल्फ अस्टेम, फिर चलेंगे इर्मिंगर की धारा, फिर चलेंगे नॉर्वेजियर की धारा, फिर चलेंगे रेनल की धारा, खत्म हो जाएगा। तब चलेंगे ख ठंडी जलधारा, और उसमें चलेगा लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और केनारी जलधारा। इसका काम हो गया। अब बताओ तब इसी प्रकार दक्षिणी करेंगे।
अब परीक्षा में क्या करेगा, निम्नलिखित में भिन्न पहचाने, निम्नलिखित में भिन्न पहचाने, बेंगुएला की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, केनारी की जलधारा और इरमिंगर की जलधारा। जल्दी बोलिए, यहां आंसर इरमिंगर होगा क्योंकि तीन ठंडी जलधारा था, एक गर्म जलधारा था। तो ये पूरा पढ़े रहोगे तब ना पकड़ाएगा, अभी तो तुम्हारे पास चिट्टा सामने है तो दुख कम है, ये हटेगा तब दुख शुरू हो। कभी कभी इतने अच्छे प्रश्न देते हैं कि सब ठंडे जलधारा दे देता है, तुम देखना ना, कोई तुम्हारा ज्यादा माथा खाए ना भूगोल में तो चारों ठंड के दे देना, तो देखना मिजाज ठंडा हो गया। कहना कि जलधारा ठीक है, लो बताओ भिन्न कौन है, चारों ठंडा दे देना, किनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, बेंगुएला जलधारा। जल्दी बोलिए, इसमें भिन्न कौन हुआ, बेंगुएला। क्यों बेंगुएला भिन्न हुआ, ये दक्षिणी अटलांटिक का ये ठंडी जलधारा है, बाकी तीनों उत्तरी अटलांटिक का ठंडी जलधारा। बोलो अभी भिन्न वगैरह भी क्लियर है सबका, जल्दी फटाफट उसको नोट करिए, लिखिए जल्दी से। अटलांटिक महासागरीय जलधारा हेडिंग दे दिए हैं सबको, नीचे लिख दीजिए क देके, क उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। बोलिए उत्तरी अटलांटिक के पूरे महासागर की जलधारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इक्का हुआ, इसमें हम लोग फर्स्ट करेंगे गर्म जलधारा और सेकंड करेंगे ठंडी जलधारा, दो पार्ट इसका चलेगा। पहले फर्स्ट में लिख दीजिए गर्म जलधारा। नहीं समझ रहा है क्या सबको, ये तीन पढ़ेंगे समय दो पार्ट चलेंगे, गरम जलधारा। चलिए गरम लाल पेन से ही लिख दो, हेडिंग हो गया गरम जलधारा, या ब्लू से लिखा है अंडरलाइन हो जाएगा, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलते चलिए। पहला नंबर बोलो इसका नाम क्या है, उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, लिखते चलिए जल्दी से। फर्स्ट नंबर उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, जलधारा। सेकंड नंबर लिख दीजिए एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा। थर्ड नंबर लिख दीजिए केनी जलधारा, केनी जलधारा, केनी जलधारा। फोर्थ नंबर लिख दीजिए फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। पांचवा नंबर लिख दीजिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बताओ क्वेश्चन देगा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा का नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम हो, समझ रहे हो सब ना, तुमको धीरे धीरे देश वाइज पूरा पश्चिम करना शुरू करेगा, पूरा पढ़ोगे पांच क्वेश्चन मूव करेंगे तो बुद्धि एकदम खुल जाएगा। गल्फ पश्चिम जलधारा। अगला नंबर लिखिए जल्दी से इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा। अगला नंबर लिखिए नॉर्वेजियर जलधारा, नॉर्वेजियर जलधारा, नॉर्वेजियर जलधारा। अगला नंबर लिखिए
रेनल जलधारा, रेनल जलधारा, रेनल जलधारा। चलिए ये आपको हुआ कैसा जलधारा, गरम। एक दो लाइन छोड़ देंगे इसमें और अरे रेनल लिख दिया सबको है ना, एक दो लाइन छोड़ करके नीचे लिख दो सेकेंड ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा में फर्स्ट नंबर जल्दी बोल दीजिए, लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। सेकेंड नंबर जल्दी बोल दीजिए, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, बहुत बढ़िया, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। और थर्ड नंबर केनारी जलधारा, केनारी जलधारा। अभी हम एक एक करके नाम मिटा रहे हैं और अब नाम आपको सुनाना है। पहले एक बार सुर में ताल मिला दीजिए, इसका नाम क्या है, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा, ठंडा की गरम, गरम। जब ये वेस्ट इंडीज से ऊपर चलेगा, एंटलीज जलधारा, ठंडा की गरम। मेक्सिको की खाड़ी में गया, केयनी जलधारा, ठंडा की गरम। जब ये इधर मुड़ गया, फ्लोरिडा की जलधारा। अब आपसे पूछा गया, मेक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है उसे क्या कहते हैं, निकलने समय इसका नाम फ्लोरिडा है, घुसते समय इसका नाम केनी है, घुसते समय केनी है। जब फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज की जलधारा ये दोनों मिल जाते हैं तो इसका नाम गल्फ स्ट्रीम होता है, और जब गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा मिलती है तो इसी को ग्रैंड बैंक कहते हैं। पूछेगा ग्रैंड बैंक का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है लेब्राडोर की गर्म जलधारा और सॉरी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ पश्चिम के गर्म जलधारा और पूर्वी जो है ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा के मिलने से यहाँ पे मत्स्य पालन का बहुत अच्छा सेंटर होगा। जो इधर ऊपर की ओर गया इसका नाम इर्मिंगर की जलधारा, जो नॉर्वे की ओर चला गया नॉर्वेजियर, ये देश ही यहाँ नॉर्वे है इसीलिए इसका नाम नॉर्वेजियर जलधारा है। जो बाल्टिक सागर की ओर इन किया रेनल जलधारा है, और नीचे की ओर आया केनारी जलधारा, केनारी जलधारा। अब बताओ इसमें एक एक करके किसी को आके अभी बोलना है कि इसका नाम उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा, इसका नाम एंटलेस, इसका नाम केनी, केनी, इसका नाम फ्लोरिडा, इसका नाम गल्फ पश्चिम, इसका नाम लेब्राडोर, इसका नाम पूर्वी ग्रीनलैंड, इसका नाम इर्मिंगर, इर्मिंगर, नॉर्वेजियर, रेनल और केनारे, केनारे। कोई सुना सकते हैं, सुना सकते हैं? अच्छा वाह, आ जाइए इधर आइए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए इसमें जरा सुन ले, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। चलिए हाँ नहीं नहीं आ जाइए, खड़ा ऊपर आ जाइए, बस खाली बोलते जाइए, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा, वेरी गुड, एंटलेस, केनी, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, इर्मिंगर, रेनल, नॉर्वेजियर, केनारी, वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, एकदम पूरा फुल एल्टीना देखिए धारा, एकदम DD1 चैनल धारा। घर पे बैठ के बस ये अभ्यास करना है, एकदम देखिए फिट हो। ये तो हुआ हमारा क की कहानी, अब चलेगा किसका, ख का। ख में क्या चलेगा, उत्तरी अटलांटिक की दक्षिणी अटलांटिक, तो नीचे लिख दीजिए ख दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा,
दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, बोलो ख में हुआ तो इसमें भी दो पार्ट चले गए, फर्स्ट गर्म और सेकेंड ठंडा। वेरी गुड, पहला नंबर लिख दीजिए गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और हमें लगता है गर्म तो सब लोग समझ रहे हो। बोलो इसका नाम दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, इसका नाम ब्राजील की जलधारा। बोलो फॉकलैंड गर्म की ठंडा, ठंडा, बेंगुएला ठंडा। बस हो गया, लिख दीजिए जल्दी से। पहला नंबर दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा। सेकेंड नंबर लिख दीजिए, दूसरा नंबर ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। चलिए नीचे लिख दीजिए सेकेंड देके, दूसरा नंबर ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, और ठंडी में जल्दी जल्दी बोलिए फॉकलैंड और वेंगुएला। पहला नंबर फॉकलैंड जलधारा और दूसरा नंबर वेंगुएला जलधारा। तो पहले अब ये बताएं, इसका भी नाम मिटा दें तो दिमाग में सबका सेट है, दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, ब्राजील जलधारा,